गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभी इंदौर में और आज का जो हमारा सफ़र है वो स्टार्ट हो रहा है इंदौर शहर से उज्जैन की ओर और महाकाल की नगरी में हम आज जाने वाले हैं। महाकाल के दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल उज्जैन की ओर हम प्रस्थान करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये है अपना घर यहाँ ससुराल इंदौर में और यहाँ से थोड़ी देर में हम निकलेंगे महाकाल के लिए। वहाँ से हमारा जो दूसरा स्टॉप होगा वो होगा ओंकारेश्वर, तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, निकलते हैं। आज हमारे साथ नई नवेली दुल्हन निधि भी आ रही है, तो बस तिलक उलक हो रहा है, उसके बाद हम लोग जल्द निकलेंगे। मोहित और निधि दोनों साथ में चल रहे हैं, पूरा परिवार साथ जा रहा है, मतलब 10-15 लोगों की टीम जा रही है पूरी महाकाल के दर्शन करने। मित्रों, उज्जैन महाकाल की पावन नगरी इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन देश के मुख्य रेल मार्ग से जुड़ी हुई है। आपको अगर उज्जैन आना है, महाकाल के दर्शन करना है, तो आप रेल मार्ग के द्वारा अगर आते हैं तो डायरेक्ट उज्जैन आ सकते हैं, या फिर अगर हवाई यात्रा करते हैं तो आप इंदौर आकर इंदौर से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस टैक्सी, कैब या रेल मार्ग से पूरी कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहन तंवर। अच्छा, मोहन तंवर जी, मोहन तंवर जी, मोहन जी ने मेरे साथ सामने अपन तीनों बैठे हुए हैं और जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, उज्जैन नगर। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और छिपरा नदी के तट पर बसा यह शहर काफी पावन नगरी मानी जाती है। महाकाल के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं और हम लोग भी आज जा रहे हैं उसी पावन नगरी में उज्जैन। तो चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं उज्जैन, महाकाल के दर्शन कराते हैं। भूखे निकले हैं महाकाल के दर्शन करने, लेकिन सबको इतनी भूख लगी है जम के, रुकना पड़ेगा ढाबे पे। बस कुछ ही देर में ढाबे पे रुकते हैं हम लोग। ये भुट्टे की दुकान लगी हुई है, स्वीट कॉर्न। और ये है इंदौर उज्जैन बाईपास रोड है, वहीं से हम अभी जा रहे हैं उज्जैन की ओर महाकाल के दर्शन करने। किलो में कैसे देते हो? हाँ, 100 के 3 किलो। 1 किलो में कितने बूटे आते हैं? लगभग 2-3 आ जाते हैं। लाइन से भुट्टे की दुकानें लगी हुई हैं आगे भी। ये अपन स्ट्रीट कॉर्न है और उज्जैन जाते हुए सिर्फ भुट्टे का आनंद ले रहे हैं हम लोग अली डोर में। अच्छा है। जबरदस्त, कैसा गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया ना? मजा आ गया। मित्रों, हम प्रवेश कर रहे हैं उज्जैन नगरी में और यह नगरी काफ़ी पावन नगरी मानी जाती है और भक्तिमय वातावरण यहाँ का, शिव भक्तों की भीड़ होती है हर जगह यहाँ पर। हम लोग पहुँच गए हैं महाकाल के दर्शन करने उज्जैन नगरी और ये यहीं पर अंदर, यहीं से अंदर जाना है और इधर यहाँ लाइन से दुकानें लगी हुई हैं जो कि हाँ। चलो, हर हर महादेव। आ गए सभी, अपन पूरा परिवार है यहाँ पर। ये हम लोग चल पड़े हैं महाकाल के दर्शन करने और एक गली से गुजरते हुए।
महाकाल, महाकाल की नगरी उज्जैन में हम लोग हैं। गेट के पास बस टिकट का इंतजार है। यहाँ भी एक्चुअली रूल बहुत खराब है। यहाँ टिकट है 250 रुपये प्रति व्यक्ति, 250 रुपये का टिकट लेना है फिर दर्शन करना है। कहते हैं भगवान सर्वत्र है सभी जगह है, तो फिर टिकट कैसे? हमें टिकट लेना पड़ रहा है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इतने दूर से आया हमें और टिकट लेना पड़ रहा है 250 रुपये। लाइन में हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर। महाकालेश्वर दर्शन करने हम प्रवेश कर रहे हैं। अब इतना आखिरकार हम पहुंच गए महाकालेश्वर मंदिर में और महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन नगरी में यहाँ आकर काफ़ी मन को संतुष्टि मिलती है और श्रद्धा से ओत प्रोत प्लेस। चली चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। आपको कैसा लगा मंदिर में? बहुत अच्छा। मुंबई से आई है, शांति मिल गई, शांति मिल गई, मन को शांति मिल गई। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ आते हैं महाकाल के दर्शन करने, पर हम सभी को भी ये सौभाग्य मिला। चलिए दर्शन करके हम आ गए हैं अभी। मोबाइल उपयोग वर्जित है। देखो इतने सारे लोग हम लोग आए हैं अभी दर्शन करने के लिए। ये अनिल है, मोहित है, मोहित की वाइफ है, और ये सभी लोग आए हुए हैं। और इधर मंदार भी फोटो खींचते हुए। हर हर महादेव बोल दो एक बार, हर हर महादेव। ये महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद काफी शांति मिलती है और काफी अच्छा ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह महाकाल का मंदिर उज्जैन में। दर्शन भी काफी अच्छे हुए। कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, लेकिन नियम कायदों को ताक में रखकर कुछ नियम कायदे बने हैं, तो उनको थोड़ा सुधारना चाहिए। देवों के देव महादेव का यह मंदिर महाकाल मंदिर उज्जैन।
12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके पूरे यहाँ लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ है। तो हम आज दर्शन कर रहे हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग और उसके बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं देखिए। महाकाल मंदिर के आंगन में हम लोग हैं। यहाँ भी छोटे छोटे और भी मंदिर हैं। स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर है, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, छोटे छोटे और मंदिर हैं यहाँ पर। महाकाल मंदिर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। इधर भी देखो, इधर नीलकंठेश्वर मंदिर और कई सारे मंदिर हैं। कई मंदिरों का समूह है महाकाल के अंदर भी। यहीं प्रसाद काउंटर भी है, देखिए प्रसाद काउंटर में भी काफ़ी भीड़ है, तो प्रसाद ले रहे हैं। अल्टीमेटली हम लोगों ने दर्शन कर लिया महाकालेश्वर मंदिर के और महाकाल के दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये मंदार है, इस मंदिर के दर्शन का अनुभव कुछ बताओ, कैसा लगा? दर्शन तो बहुत बढ़िया हुआ है, मन प्रसन्न हुआ है। मंदिर कौन है बताओ? और साडू भाई है। यहाँ के हमारे कुछ संपर्क में जो गुरु जी थे वो, उनके साथ में भी दर्शन हो चुके है। काफी अच्छा लगा। हाँ, और ये मेरी प्यारी साली है चेतना और उनके हस्बैंड मतलब हमारे साडू भाई मंदार जी ने अभी बात की आपसे, आप सभी ने सुना इनका। और मोहित से पूछते हैं, मोहित को कैसा लगा? मोहित फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो काफी अनुभव अच्छा था। और अभी अभी शादी हुई है, निधि है, न्यू फैमिली साथ आई हूँ। बहुत बहुत दर्शन अच्छे से मिल गए, काफी मन प्रसन्न हो गया महाकाल के दर्शन करके। आप भी यहाँ पे आइए, आप भी यहाँ पे दर्शन कीजिए, क्योंकि काफी कुछ चीजें होती है जो नहीं होती है लाइफ में तो वो हो जाती है। तो आप आइए दर्शन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्रति हम आगे भी आपको जुड़े रहे हमारे साथ में। हम इसके बारे में आगे भी आपको बताते रहेंगे और नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। योगिता मेरी छोटी साली और उनके हस्बैंड अनिल, तो अनिल थोड़ा बताएंगे इस मंदिर का अनुभव कैसा रहा, महाकाल का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा। महाकाल जी की कृपा सदा बना रहे हैं हम पे। योगिता कुछ बोलोगी इसके बारे में, मंदिर के बारे में? नहीं, मतलब मैं दूसरी बार आई हूँ पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आके। बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, काफी अच्छा फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव। चलो अब चलते हैं काल भैरव। और मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम दर्शन किया, 1.5 साल का है वो सिर्फ। चलो अच्छी बात है। मित्रों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के दर्शन करके हम सभी प्रसन्न हुए अभी और जा रहे हैं हम काल भैरव दर्शन करने। तो चलते हैं, चलो आगे की ओर। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अब आगे हमारा जो पड़ाव है वो है काल भैरव, और काल भैरव से हम जाएंगे ओंकारेश्वर। तो काल भैरव की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग इसी तूफान गाड़ी में, तूफान की तरह चलते हैं। चलिए मित्रों, महाकाल के मंदिर की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।